हिमाचल कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर सूर्य बोरस ने कहा है कि हिमाचल सरकार बागवानी को नई दिशा देने के लिए प्रयत्नशील है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बागवानी मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर बागवानों में संशय पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने इस दौरान सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। मंत्री हैं चाहे जगत सिंह नेगी जी है चाहे अन्य मंत्री है जो भाजपा की सरकार ने 75,000 के करोड़ के कर्ज में सरकार को धकेला है, उस कर्ज से उबरने के लिए और 10 गारंटी योजनाओं को भी लागू करने के लिए, प्रदेश को जो है एक पटरी पे लाने के लिए निरंतर संसाधन जुटाने पे जो है सरकार कार्य कर रही है। भाजपा सरकार में जो ड्रोन की बात करते हैं कि भाई ड्रोन से मंडियों तक सेब को पहुंचाएंगे, ये मुझे तो प्रैक्टिकली बिल्कुल भी संभव नहीं लगता है। ड्रोन का जो कैरिंग कैपेसिटी है मेरे ख्याल से वो 50 किलो या 1 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होगा, और हमारे जो सेब के बॉक्स है वो एक छोटे से जमींदार के पास भी जो है आज 500,000 जो है एक बॉक्स निकलते हैं। अगर इतने बॉक्सेस को आप मंडियों तक पहुंचाएंगे तो लाखों ड्रोन जो है करोड़ों ड्रोन वो मंडियों तक दौड़ेंगे, ये कैसे संभव है? एक एक ड्रोन जो है एक एक बॉक्स या दो दो बॉक्स कैरी करके शिमला पहुंचाएगा या रामपुर पहुंचाएगा या चंडीगढ़ पहुंचाएगा या दिल्ली मंडी पहुंचाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है ये जो ड्रोन का इस्तेमाल है ये आपात स्थिति में, नेचुरल कैलेमिटीज़ में, वहाँ पर भूकंप की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में कोई आदमी फंसा हो या किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो या इमरजेंसी फूड की व्यवस्था हो, उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल प्रयास हो रहा है जी, और मंत्री जी जो है लगातार एक महीने में आपने देखा, आज उनको एक महीना हुआ है, उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक कदम इस ओर उठा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम किसान बागवानों के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ जो है एक बात करके सब जो है आगे रणनीति बनाएंगे सबको इकट्ठे लेकर। तो हमारे खुद ये जो है कुशल बागवान है, बागवानों को अब पहले की तरह बोरी में सेब वाले मंत्री नहीं है, ये खुद बागवान है, ये जानते हैं बागवानों के दुख दर्द को। तो अब बागवानों को जो है चिंता नहीं करना चाहिए, आने वाले समय में सब चीज़ें जो है पटरी पे आ जाएगी, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा।